सोशल मीडिया पर सिर्फ पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई उसे जासूस बता रहा है तो कोई धोखेबाज पत्नी, लेकिन कुछ भी हो सीमा हैदर है बड़ी खिलाड़ी। सीमा हैदर अब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गई है। इसके अलावा सीमा हैदर ने तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को लेकर भी ऐसी बातें कही हैं जो आपको हैरान कर देंगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर ने क्या गजब का दांव खेला है। सीमा हैदर ने अपने वकील के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक याचिका भेजी है। याचिका में सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की है कि उसे भारत की नागरिकता दे दी जाए, उसे भारत में ही रहने दिया जाए। इसके अलावा सीमा हैदर ने अपनी शादी के कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच गई है। अभी तो UPATS की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन सीमा हैदर पहले से ही अपने आप को भारत की बहू बोल रही है। बहरहाल अब खिलाड़ी सीमा ने क्रिकेट को लेकर भी कुछ बयान दिए हैं। पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत आई है। वर्ल्ड कप खत्म होते ही वो वापस अपने पति गुलाम हैदर के पास पहुंच जाएगी। लेकिन सीमा हैदर ने इस पर भी बयान दे दिया। मजे की बात देखिए कि सीमा हैदर को जानकारी पूरी है, उसे सब पता है कि उसके बारे में कौन क्या क्या बोल रहा है। सीमा हैदर ने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत आई हूं, तो वो बिल्कुल गलत हैं। मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन इतना ज्यादा भी पसंद नहीं है। सीमा ने कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने सचिन मीणा से सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि मुझे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पसंद हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहती हूं कि मेरे फेवरेट सचिन तेंदुलकर नहीं बल्कि विराट कोहली हैं। सीमा ने कहा कि विराट कोहली मुझे क्या पूरी दुनिया को पसंद है। उनका लुक, स्टाइल और क्रिकेट खेलने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि मैं सिर्फ सचिन मीणा के लिए ही भारत आई हूं। चलिए अब तो खुद सीमा हैदर की बात से ये साबित हो गया है कि उसको सचिन मीणा में ही सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दिखते हैं। वैसे गजब है, जिस महिला पर जासूस होने का शक है, जिससे UPATS लगातार पूछताछ कर रही है, वो महिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्रिकेट से लेकर फिल्मों पर बयान दे रही है।